एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए और नए दो स्टॉक लेके आए हैं, जिन दो स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी दो स्टॉक है जिसमें अगले दिन हम पोजीशन बना सकते हैं, उन दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल और टारगेट सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और पिछले दिन जो वीडियो अपलोड किए थे वो प्रीव्यू भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ स्टॉक के वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एडुकेशनल पर्पज़ बनाता हूँ और जो भी टेक्निकली लेवल हैं वो जानकारी में आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में आपकी खुद की स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड कीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो और हमेशा लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो चलिए चलते हैं, पहले जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उस स्टॉक का नाम है एशियन होटल ईस्ट। फर्स्ट जो स्टॉक, इसका नाम है एशियन होटल ईस्ट। अब स्टॉक जो है 273.30 पे क्लोज हुआ है और टुडे 200 डेज के ऊपर ओपन हुआ है और 200 डेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है। और पीवोट जो है, पीवोट को टच करके थोड़े से पीवोट के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन स्टॉक जो है इतने स्ट्रांग है कि 100 डेज, 200 डेज, 50 डेज, 150 डेज, 30 डेज एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सब के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसमें हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग कॉल है और बाकी सारे इंडिकेटर भी बाइंग पोजीशन पे है, लेकिन हम उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, एशियन होटल ईस्ट का बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेते हैं। 275 पे हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, टारगेट 1 रहेगा 278, टारगेट 2 रहेगा 282, सेलेंट्री 269, टारगेट 1 रहेगा 265, टारगेट 2 रहेगा 262। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट स्टॉक का नाम है क्रिलोस कर वेल इंजीनियर्स। अब स्टॉक जो है क्लोज हुआ है 382.70 पे। अब स्टॉक को सिलेक्ट करने के रीज़न भी हम बता देते हैं। स्टॉक 200 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 200 डेज एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन पांच मूविंग एवरेज के ऊपर जो है क्लोज हुआ है और टुडे 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगले दिन जो है हम उसमें बाइंग पोजिशन बना सकते हैं स्ट्रांगली, और बाकी सारे इंडिकेटर भी बाइंग पोजिशन पर, लेकिन इस अगर ट्रेंड डाउन में है तो हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, अगर ट्रेंड अप में है तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों बात करेंगे और इसका टारगेट भी। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन जो मैंने दो स्टॉक डाला था, तो दोनों स्टॉक जो है बाइंग को एग्जीक्यूट हुआ था। अगर आप लोगों ने ट्रेड किया तो आप लोगों को पता है, और फास्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन दोनों स्टॉक में 2.2 पॉइंट करके प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों स्टॉक में जो है प्रॉफिट हुए हैं, प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट ज़रूर हुआ। तो चलिए इस स्टॉक का हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। ठीक है, क्रिलोस्कोप वेल इंट्राडे एंट्री लेवल, बाय एंट्री 385 और टारगेट 1 रहेगा 388 एंड टारगेट 2 रहेगा 391, सेलेंट्री 380, टारगेट 1 रहेगा 378, टारगेट 2 रहेगा 374। तो इन दोनों स्टॉक में हम अगले दिन पोजिशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के पास शेयर कीजिए, ताकि व्यूअर्स उसको देखें और वो भी कुछ प्रॉफिट कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना सही। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ज़ेरोधा लो ब्रोकर ट्रेडिंग हाउस का, मैक्सिमम 20 रुपीज़, फ्लैट 20 रुपीज़, डिलीवरी में 0 चार्ज, स्टॉक डिलीवरी में, स्टॉक ऑप्शन में डिलीवरी 0 चार्ज, और कमोडिटी में भी ओनली 20 रुपीज़। तो उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना सही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ रहे।